हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्योति चतुर्वेदी, आज आप लोगों को कुछ अलग टॉपिक पे लेकर आई हूँ, जो कि मेरी दूसरी वीडियो आज आ रही है, जिसमें आप लोगों का रहेगा बीकॉम सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, जिसका सब्जेक्ट है बैंकिंग ऑपरेशन, जो कि आप लोगों का ही है। और उसमें एक टॉपिक है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक फंड्स बाय कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक फंड्स। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बैंक अपने आप में फंड्स को कलेक्ट करती है, कहां से लेकर आती है बैंक। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैंक। बैंक होता क्या है? बैंक क्या होता है? बैंक जो है लोगों की, पब्लिक के डिपॉजिट्स को कलेक्ट करके या पब्लिक के डिपॉजिट्स को रिसीव करके और पब्लिक को ही लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, पब्लिक को ही क्या देती है? उधार की सुविधा देती है कि लोग आए और अपना पैसा जमा करें, सेविंग्स करें बैंक में, और उन्हीं के बिहाफ पे कुछ परसेंट उनसे लोन पर ले सके। ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी है बैंक क्या है। बैंक आपने जाना कि ये है। बैंक के बाद आपको ये जानना जरूरी है कि बैंक पहले जो है वो नेशनलाइज नहीं था। नेशनलाइज किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने, जब प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, तब उन्होंने नेशनलाइजेशन किया था। उसके पहले, नेशनलाइजेशन के पहले बैंक क्या था? एक प्राइवेट सेक्टर ही आप कह सकते थे, शेड्यूल्ड नहीं था। शेड्यूल्ड नहीं था वो, प्राइवेट मतलब लोगों के हाथ में था। ठीक है, फिर उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी ने, जब वो हमारी प्रधानमंत्री जी थी, तो उन्होंने क्या किया, हमारे बैंक्स को, बैंकिंग सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया, जिसमें से 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 बैंक्स नेशनलाइज किए गए। नेशनलाइजेशन का क्या मतलब है? अब आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि नेशनलाइजेशन होता क्या है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बैंक जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब गवर्नमेंट अपने आप को ओवर कर ले। कहने का मतलब है गवर्नमेंट का ही सब कुछ हो जाता है उसमें, गवर्नमेंट की, उसकी गवर्नमेंट से ही वो फंड्स हो जाते हैं, गवर्नमेंट की ही एसेट्स हो जाती है, गवर्नमेंट की ही लाइबिलिटीज हो जाती है, और गवर्नमेंट ही सारा काम अपना देख रेख का जो होता है उसका कंट्रोलिंग का होता है, डायरेक्शन का होता है, वो गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जब नेशनलाइजेशन हुआ तो लोगों का एक ट्रस्ट बढ़ा, लोगों का एक ट्रस्ट बढ़ा, क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को कि जब तक गवर्नमेंट का हाथ किसी चीज में नहीं होता है, तब तक क्या होता है कि वो चीज पब्लिक उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाती है। ये तो आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए कि पब्लिक ट्रस्ट कब करती है। पब्लिक का ट्रस्ट कब बढ़ता है ज्यादा? जब गवर्नमेंट का हाथ ज्यादा होने लगता है, गवर्नमेंट अपने आप में टेकओवर कर लेती है किसी चीज को। तो जब गवर्नमेंट ने टेकओवर कर लिया तो सारी चीजें, उसके बाद क्या हुआ, जब गवर्नमेंट की सारी चीजें गवर्नमेंट की हो गई तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ा, लोगों ने डिपॉजिट्स मेंटेन करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहले लोग इतना डिपॉजिट्स मेंटेन नहीं कर पाते थे जितना उन्होंने नेशनलाइजेशन के बाद किया। अब सिंपल सी बात है कि जब डिपॉजिट्स ज्यादा मेंटेन होंगे तो क्रेडिट भी तो दिया जाएगा, लोन की फैसिलिटी तो दी जाएगी। लोन की फैसिलिटी कैसे दी जाएगी? लोन की फैसिलिटी तभी दी जाती है जब बैंक के पास डिपॉजिट्स ज्यादा हो जाते हैं। किसके डिपॉजिट? डिपॉजिट कौन कर रहा है? पब्लिक ही तो कर रही है। जब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट की बैंक हो गई तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गई। पब्लिक सेक्टर का मतलब पब्लिक की हो गई, तो पब्लिक ही इसका जब सेविंग कर रही है, अपना डिपॉजिट स्पेंडिंग कर रही है, तो उसी के बिहाफ पे लोन हम लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, बैंक हम लोगों को प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद क्या हुआ कि बैंक ने जब लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया तो ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स होने लगी, लोन प्रोवाइड होने लगा बहुत सारी, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों की आदत बन गई है बैंक, पहले लोगों की आदत नहीं थी। ठीक है,
समझें, पहला है सेल्फ फंड्स टू बैंक्स एंड दूसरा है बोरोड फंड्स। सेल्फ फंड्स टू बैंक्स का क्या मतलब है? सेल्फ फंड मतलब खुद के उसके फंड्स हैं, उसके खुद के कोष क्या है, बैंक के खुद के भी तो कोष होंगे। जैसे कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, बैंक जब अपने बिजनेस स्टार्ट करता है तो बैंक का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके प्रमोटर्स जो उस बिजनेस को स्टार्ट करने का पूरा उसका एक देखभाल करते हैं कि उसके पास कैपिटल कहां से आएगी, उस बैंक को चलाने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत है, कितनी कैपिटल की नीड है। तो सबसे पहले क्या करता है बैंक कि उस वो प्रमोटर को, उनका प्रमोटर का काम क्या होता है कि बैंक से स्टार्ट होने जा रहे हैं उनके लिए उनके जो शेयर्स हैं वो उसको बेचता है, और शेयर्स जब बेचे जाते हैं तो इशू शेयर्स को बोलते हैं, इशू किए जाते हैं। तो फिर जब वो क्या बोलते हैं कि जब वो पेमेंट होता है, जब लोग उसको खरीदते हैं उसका पेमेंट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। कितने लोगों ने उसका पेड अप किया है, पेड कितने लोगों ने किया है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। अब अगर लोगों ने खरीदा तो उसको तो उसको पेड किया होगा ना, तो वो भी एक फंड हो गया ना बैंक का, वो भी एक बैंक का फंड हो गया। उसी से वो बैंक अपना क्या चलाएगा? बिजनेस रन करेगा। बैंक भी एक बिजनेस है, एक तरीके का बिजनेस है। जब वो बिजनेस से अपने प्रॉफिट को कमाता है उससे क्या करता है, वो एक सिक्योर फंड तैयार करता है। देखो सिक्योर फंड का मतलब यहाँ पर क्या है कि बैंक में जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को दो टाइप में बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। प्रॉफिट का बैंक का जो प्रॉफिट होता है उसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? पहला तो क्या, देखो अपने जो प्रॉफिट है उनको, जो भी शेयर होल्डर्स है उनको जैसे डिविडेंड के रूप में उनको बांट देगा। फिर जो बचेगा उसको वो सिक्योर फंड के रूप में रखेगा। वो क्यों रखता है कि बाई चांस उसको कभी कोई आगे उस स्थिति को फेस करना पड़ जाए, क्योंकि सिक्योर फंड जैसे घर में हम अपने पैसे को सिक्योर क्यों रखते हैं कि बाई चांस हमें कोई भी इमरजेंसी आ गई या कोई भी अनिश्चितता आ गई घर में तो उसको हम केयर कर सके, उसको हम फेस कर सके। वैसे ही बैंक अपने पास सिक्योर फंड रखता है। ठीक है, फिर आगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होते हैं? जो कि एक सामान्य रिजर्व होते हैं, एक तरीके की लायबिलिटी है सकते हैं आपको बैंक की। वो क्या करते हैं जनरल रिजर्व कि बैंक अपने पास एक जनरल रिजर्व रखता है। वो क्यों रखता है? क्योंकि आपके फ्यूचर के पेमेंट्स को, तब देखो घर में भी नहीं मालूम होता है लोगों को कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप लोगों को मालूम है कि ये कोरोना वायरस की सिचुएशन आने वाली है, किसी को नहीं मालूम था। तो घर में अगर थोड़ी बहुत सेविंग्स ना होती तो क्या किसी का खर्चा चल रहा होता है, या खाना पानी जो जो नीश है हमारी, खाना रहना ये चल रहा होता, नहीं चल रहा होता। इसीलिए बैंक अपने पास जनरल रिजर्व के तौर पे कुछ ना कुछ रखता है। दो दो तरह के रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व होता है, स्पेशल रिजर्व। स्पेशल रिजर्व क्या होता है? वो लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए होता है। और जनरल रिजर्व क्या होते हैं? जो कि आगे के जो प्रिकॉशनरी रिजर्व होते हैं, ये कि आगे की कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जनरल रिजर्व को बैंक रखते हैं एज अ फंड। ठीक है, दूसरा हो गया अदर रिजर्व। और भी बहुत से रिजर्व होते हैं जो कि बैंक के पास होते हैं, लेकिन बैंक उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करती है। उसके पास होते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए वो रिजर्व को क्लियर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या मतलब होता है कि जो बैंक दूसरे से किसी से बोरो करती है, दैट मींस लोन लेती है। लोन लेने का मतलब जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो हम लोग बोरो ही तो कर रहे हैं। अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो उधार ही तो ले रहे हैं उनसे। तो वैसे ही बैंक, कॉमर्शियल बैंक भी किसी ना किसी से लोन लेती होगी जब उसके पास पैसे होते, थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म की बाकी होगी, वो भी तो लोन से काम चला रही। जैसे पहला होगी पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का क्या मतलब है कि हम लोग जब बैंक में जाकर पैसे को जमा करते हैं या पब्लिक डिपॉजिट करती है, जाके उसी के बेस पे लोन देती है लोगों को बैंक, उसी के बेस पे हम लोग को लोन प्रोवाइड करती है। तो पहला होगी पब्लिक डिपॉजिट, वो भी तो एक फंड का ही प्रॉपर तरीका है या प्रॉपर पार्ट है इसका, पब्लिक डिपॉजिट जो कि बोरोड फंड इसको बोला जाता है। किसका है? ये कॉमर्शियल बैंक के फंड्स का एक पार्ट क्या है? पब्लिक डिपॉजिट, जो कि बहुत ही मेन एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट है लोन फ्रॉम अदर बैंक्स। लोन फ्रॉम अदर बैंक्स का क्या मतलब है कि जब लोन उसके बैंक के पास जब शॉर्टेज हो जाती है पैसे की, उसके पास फंड्स की कमी हो जाती है, तो वो क्या करती है? अदर बैंक से भी लोन की एक सुविधा ले लेती है, फैसिलिटीज को ले लेती है। वो फैसिलिटीज बैंक हर एक बैंक को दी जाती है कि आप किसी अदर बैंक से जाकर उससे लोन को ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लोन फॉर आरबीआई। लोन फॉर आरबीआई का क्या मतलब है? जब कहीं से उसको लोन नहीं मिलता है तो आरबीआई को ही राशि
ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं, जो कि नाइन्थ है आपके सामने। पहला है लिक्विडिटी ऑफ फंड्स। लिक्विडिटी ऑफ फंड्स का क्या मतलब है? पहले तो आपको ये जानना जरूरी है प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जो बैंकों के पास फंड्स होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट को कहां करती है, इन्वेस्ट कहां करती है, और इन्वेस्टमेंट को करते हुए कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट करती होगी। जैसे हम इन्वेस्टमेंट पैसे का क्यों करते हैं, कहीं पर हम इसलिए करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट उससे अर्न हो। वैसे ही बैंक अपने जो शेयर्स होती है या अपने जो पैसा होता है उसके पास जो भी फंड्स होता है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्टमेंट का कारण क्या होता है, रीजन उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। वो रीजन क्या है? पहला है लिक्विडिटी ऑफ फंड्स। लिक्विडिटी ऑफ फंड्स का क्या मतलब है यहाँ पर? कि कोषों की तरलता। कोषों की तरलता मतलब क्या है? कि बैंकों के पास इतने फंड्स होने चाहिए कि वो उसके पास कभी भी अचानक से कोई प्रॉब्लम आने पे वो उस चीज को क्लियर कर पाए। कहने का मतलब ये है कि बैंक वहां पर इन्वेस्टमेंट करती है कि जहां पर उसको पता होता है कि वो इन्वेस्टमेंट उसका जो है कैश के फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट हो सकता है। जैसे बैंकों ने इन्वेस्टमेंट किया और वो कहीं पैसे पैसे के रूप में वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, कैश के फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। कहने का मतलब उसकी लिक्विडिटी मेंटेन नहीं। कैश के फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब यही है कि उसकी लिक्विडिटी अच्छी होना, और अगर वो कैश के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है दैट मींस उसकी लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, वो लिक्विडिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है और अगर उसको अचानक से जरूरत पड़ गई बैंक तो वो क्या करेगा, वो अपने इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट कराने की कोशिश करेगा जिससे वो अपने जो उसकी प्रॉब्लम्स है उसको वो कोप अप कर सके। ठीक है, तो वो लिक्विडिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कोषों की तरलता होनी चाहिए। नेक्स्ट कंपटीशन नहीं है तो और क्या है, तो इसी कंपटीशन को
नहीं देखनी चाहिए। अगर वो हर चीज ऐसा बिजनेस देखेंगे तो वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए रहेंगे। अगर वो बिजनेस ना देखकर वो नेशन का इंटरेस्ट देखेंगे तो वो क्या करेंगे, छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह जो होते हैं या एग्रीकल्चर होते हैं, उनका भी ध्यान रख के उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ फंड्स को लगाए। अगर वो सिर्फ और सिर्फ बैंक बिजनेस ही देखेगा, दैट मीन्स वो प्रॉफिट टेकर है। प्रॉफिट टेकर का मतलब क्या है कि वो सिर्फ नेशन का इंटरेस्ट कोई देख तो उससे मतलब ही नहीं है। और नेशन का इंटरेस्ट तो उसमें होता है एग्रीकल्चर में है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म इंडस्ट्रीज होती है जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं वो है, या ट्रांसपोर्टेशन है, ये हमारा जैसे जो पब्लिक सुविधा है, पब्लिक की सुविधा है, वो क्या होता है बैंक उसमें ज्यादा वो फंड अगर डालेगा या उनको वो क्रेडिट देगा तो वो नेशन के इंटरेस्ट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ बैंक ट्रांसफरेबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पर कि बैंक को उसमें भी कुछ ना कुछ अपना पैसा विनियोग करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसका जिसका जो है वो चल संपत्तियों में ज्यादा पैसा अगर इन्वेस्ट करेगी तो ज्यादा फायदे करेगी। कहने का मतलब है कि अचल संपत्तियों में वो ज्यादा पैसा ना खर्च करे, ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट ना करे। अचल संपत्तियां कौन सी होती है, अचल संपत्तियां कौन सी होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती है। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जैसे घर मकान जैसे हो गए और लैंड प्रॉपर्टी वगैरह होती है, वो आपके अचल संपत्तियां हैं या फिक्स्ड एसेट्स हैं आपकी। तो उनको उसमें वो पैसा ना इन्वेस्ट करके वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करे कि जैसे अगर किसी को ट्रांसफर करने का अगर बात आया तो तुरंत से तुरंत ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, ज्यादा उसमें समय की दिक्कत ना आए, ज्यादा पीरियड ना आए, ज्यादा टाइम में ना आए। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंड इट्स स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। इन्वेस्टमेंट एंड इट्स स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। इन्वेस्टमेंट एंड इट्स स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, फ्यूचर विजिबिलिटी का कहने का मतलब ये कि बैंक को वहां पर अपना पैसा लगाना चाहिए, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि वो सिर्फ अपना प्रेजेंट ना देखे, वो फ्यूचर भी देखे। प्रेजेंट को ना देखते हुए फ्यूचर भी देखते। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं बैंक वगैरह, वो प्रेजेंट तो देखते हैं कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत अट्रैक्टिव, इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो फ्यूचर नहीं देखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंट तो बहुत अच्छा होता है, फ्यूचर अच्छा नहीं होता है। तो बैंक को वहां पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर फ्यूचर भी अच्छा हो और प्रेजेंट भी अच्छा हो। कहने का मतलब उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन हो वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी प्रेजेंट में भी रहनी चाहिए और फ्यूचर में भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें ये नहीं बताया ना इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आपको एक पॉइंट रहेगा इन्वेस्टमेंट एंड इट्स स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, जो कि इसमें ये बताया गया है कि उसमें भी उसको बैंक को अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें मूल्य की स्थिरता हो, थोड़ी स्टेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि वो जहां इन्वेस्टमेंट कर रही हो तो तुरंत और तुरंत लॉस में वो चीज आ जाए, मतलब वो जल्दी खराब होने वाली कोई चीज हो या तुरंत वो लॉस में कोई दिलाने वाली कोई चीज हो, ऐसे में उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे सट्टेबाजी, सट्टेबाजी क्या होती है, सट्टेबाजी में तुरंत तुरंत पैसा नष्ट हो जाता है, लॉस में आ जाता है या बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं करता है। ठीक है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है जहां पर स्टेबिलिटी बनी रहती है वैल्यू की, जो शीघ्र नष्ट होने वाली चीज होती है उसमें वो बैंक अपना इन्वेस्टमेंट ना करे तो ज्यादा बेस्ट होता है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेशन बिटवीन बैंकिंग पॉलिसी। कोऑपरेशन बिटवीन बैंकिंग पॉलिसी का मतलब ये है कि बैंक को ये भी देखना चाहिए कि उसकी नीतियां क्या है, नीतियां क्या है मतलब उसके कानून क्या है। सरकार की जो कानून है, सरकार आजकल जो है गवर्नमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा वो एग्रीकल्चर या आपकी जो ये कन्वेंशनल जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह, ट्रांसपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा वो पैसा आपने इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है, तो बैंक को भी चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है और उस गवर्नमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत उसको कोऑपरेशन बना के मेंटेन करके चलना जरूरी होता है। बैंक कहने का मतलब ये है कि बैंक को क्या होता है, बैंकिंग पॉलिसी और गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोऑपरेशन को मेंटेन करना चाहिए, उसमें कोऑपरेशन बना के रहना चाहिए। ये नहीं कि बैंक अपनी पॉलिसी को मेंटेन करना चला रहा है, वो गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं रखता है। गवर्नमेंट जो चीज आ रही है उसमें भी उसको थोड़ा बहुत नजर डालना चाहिए और उसी के हिसाब से उसको अपनी बैंकिंग पॉलिसी मेंटेन करनी चाहिए। नेक्स्ट अदर पॉलिसी का है कि जो और भी पॉलिसीज होती है जो कि बैंकों को अपनी अपनी तरीके से कुछ सुविधाएं, अदर डिपॉजिट्स मेंटेन करने में जैसे लोग निक्षेप अपने जमा करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट मेंटेन होते हैं, जो और भी पॉलिसीज है वो पॉलिसीज उनको मेंटेन करनी चाहिए जो कि इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे वो अच्छी हो, बैंक के इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे वो अच्छी हो
कहने का मतलब है बैंक उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी अर्न करे और कुछ ना कुछ उसमें पॉलिसी ऐसे भी होनी चाहिए जो कि नेशन के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। नेशन का इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो कि वो सरकार या राष्ट्र में है उसमें होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ पॉलिसीज है जो कि पहली हो गई लिक्विडिटी ऑफ फंड्स, डाइवर्सिटी ऑफ रिस्क, सिक्योरिटी ऑफ मनी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ नेशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, प्रिंसिपल एंड इट्स स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एंड इट्स स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्यूचर विजिबिलिटी, कोऑपरेशन बिटवीन बैंकिंग पॉलिसीज एंड अदर पॉलिसीज। ये कुछ पॉलिसीज है जो कि प्रिंसिपल है इसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के, बैंक की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के। इसी से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है जो कि आपका चैप्टर का इन्वेस्टमेंट